यूक्रेन के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ने रूस पर एक बार फिर से बड़ा आरोप लगाया है। आपको बता दें कि अजोवस्टल में आसमान से मौत बरसा रहा है रशिया। यूक्रेन ने यह बड़ा आरोप लगाया, अजोवस्टल में रूस ने फास्फोरस बम से अटैक किया है। अजोवस्टल में यूक्रेनी सैनिकों पर फास्फोरस बम से हमला किया गया, ये बड़ा आरोप यूक्रेन के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर की ओर से लगाया गया। क्या यूक्रेन के खिलाफ रूस ने खतरनाक फास्फोरस बम का इस्तेमाल किया है? क्या यूक्रेन को खाक कर देना चाहता है रूस? यूक्रेन का इल्जाम कुछ ऐसा ही है। यूक्रेन के वाइस प्राइम मिनिस्टर मिखाइलो फेदोरोव ने रूस की फौज पर अजोवस्टल में फास्फोरस बम के इस्तेमाल का आरोप लगाया है। फेदोरोव ने ट्विटर पर एक वीडियो भी शेयर किया है। फास्फोरस बम बेहद खतरनाक होते हैं। इनके धमाके से निकला धुआं जहरीली गैस पैदा करता है, जिससे आसपास के इलाकों में मौजूद लोगों का दम घुटने लगता है। फास्फोरस बम जहां गिरते हैं वहां हर चीज जल जाती है। यह अपनी चपेट में आने वाले इंसानों की हड्डियां तक गला देता है और बेहद दर्दनाक मौत देता है। यूक्रेन से युद्ध के दौरान पुतिन की फौज पर फास्फोरस बम के इस्तेमाल का आरोप पहले भी लग चुका है। पश्चिम के मुल्क भले ही इसे रूस का युद्ध अपराध साबित करने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन सच ये है कि पहले महायुद्ध में इनका पहला इस्तेमाल ब्रिटेन ने ही किया था। 2004 में अमेरिका ने इराक में और 2006 में इसराइल भी लेबनान के खिलाफ इन्हें यूज कर चुका है। और उस बीच देखिए, यूक्रेन के डिफेंस एक्सपर्ट्स ने बड़ा दावा किया है। कादिरोव की चेचन फोर्स यूक्रेन में नाकाम, यह दावा किया जा रहा है। यूक्रेनी सैनिकों ने चेचन लड़ाकों के मिथक को तोड़ा है। कादिरोव के लड़ाके सिर्फ क्रूरता करते हैं। यूक्रेन युद्ध में चेचन लड़ाके रूस के लिए बड़ी ताकत साबित हुए हैं। कादिरोव के खूंखार लड़ाकों ने यूक्रेन के शहरों में जमकर कहर बरपाया। उनकी क्रूरता की कहानियों से यूक्रेन के लोग दहलते रहे हैं, लेकिन यूक्रेन ने चेचन लड़ाकों और कादिरोव की अजेय ताकत को काल्पनिक कहानी करार दे दिया है। यूक्रेन का दावा है कि कादिरोव की चेचन फोर्स यूक्रेन में नाकाम साबित हुई है। यूक्रेन के बहादुर सैनिकों ने चेचन लड़ाकों के मिथक को तोड़ दिया है। कादिरोव के लड़ाके जंग में उतने बहादुर नहीं हैं जितनी अपनी चालाकी पूर्ण चालों में हैं। यूक्रेन के डिफेंस एक्सपर्ट्स ने दावा किया है कि कादिरोव की फोर्स युद्ध कौशल और जाबाजी से ज्यादा नरसंहार और आतंक पैदा करना जानती है। यूक्रेन के मुताबिक रूस ने करीब 2500 चेचन लड़ाकों को यूक्रेन भेजा है। युद्ध के शुरुआती दिनों में चेचन लड़ाकों ने यूक्रेन में दाखिल होना शुरू कर दिया था। बाद में उनकी क्रूरता की कई कहानियां सामने आने लगी थी। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।